अगर कोई इंसान कोई बड़ी बीमारी चुटकियों में छुमंतर कर दे तो आप क्या कहेंगे? जी, आप सही सुन रहे हैं। ऐसा ही एक दावा आगरा के संत ने किया है, जो काफ़ी दिनों से आगरा के गंभीर मरीजों का मुफ्त में इलाज कर रहे हैं। वहीं बाबा की शरण में आने वाले लोग भी बाबा के इलाज से काफ़ी संतुष्ट हैं। किसी गंभीर बीमारी का इलाज अगर चुटकियों में हो जाए तो यह बात गले से नहीं उतरती, लेकिन ऐसा ही नज़ारा आजकल आगरा में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक संत ने गंभीर से गंभीर बीमारी के इलाज का दावा किया है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। कहने को यह बात समझ के परे है, लेकिन यहाँ आने वाले मरीजों की लंबी लंबी लाइन देखकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं। मेरा नाम योगेश बंसल है। मेरी बेटी है जिगीशा, जिसको सुनने में बोलने में दिक्कत है। मैं दरबार से तकरीबन 7-8 महीने से जुड़ा हुआ हूँ, तो गुरुजी ने पहले बोलने का इलाज शुरू किया है, जिससे मेरी बच्ची को अब तकरीबन 10-15% आराम है बोलने में। मैं हरियाणा होडल का निवासी हूँ, डिस्ट्रिक्ट पलवल। तकरीबन 7-8 महीने हो गए मुझे दरबार से जुड़े हुए। नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है दरबार में। मेरी बेटी को पहले से आराम भी है बोलने में, तकरीबन 15% अब पहले से रिलीफ है इसको। कॉकलियर इम्प्लांट बताया था इसके लिए, पर इसकी जो है नर्व काफी वीक है, तो डॉक्टर कहते हैं भाई सक्सेस नहीं हो पाएगा, तो आप वो ना कराएं, तो हियरिंग एड लगाएं। बाकी हियरिंग एड मैं लगाता भी हूँ इसको, और स्पीच थेरेपी भी इसकी कराता हूँ। बाकी स्पीच थेरेपी जो भी है, अब ऊपर अगर भगवान का आशीर्वाद है तो वो भी इजीली काम करेगी, तो मुझे तो पूरा भरोसा है कि भाई मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। मेरा नाम सूबेदार नवाब सिंह। हाँ, परेशानी थी घर में, काफी प्रॉब्लम थी मुझे, तो वो जाकर के अभी मैं आया हूँ यहाँ। कल भी आया था, आज आया हूँ। अभी मैं, मुझे थोड़ी आराम है, और अभी मैं दिल से आया था आस्था लेकर के कि मैं आज दर्शन करके आऊंगा, तो मैंने जो बाबा से करी रिक्वेस्ट, मुझे साक्षात आंखों में दर्शन करा दिए, बजरंगबली के दर्शन हो। अभी आराम इतना है कि वैसे नौवीं को मैं बुलाया हूँ, लेकिन थोड़ा शांति है। अभी मेरा कार्य अभी बाकी है, अभी होगा नौवीं को इलाज हो। भगवान के प्रति बहुत आस्था है, यहाँ फ्री है इलाज है, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल बहुत आराम। आगरा के आवास विकास कॉलोनी में सेक्टर 5 निवासी दिनेश शर्मा के यहाँ बाबा ने अपना दरबार लगाया है, जहाँ से वह सैकड़ों मरीजों का इलाज कर रहे हैं। किसी भी परेशानी और बीमारी का बाबा चुटकियों में इलाज कर देते हैं। गुरुजी बगलामुखी मैया की असीम अनुकंपा से यहाँ पधारे हैं, और लगभग 15 दिन से यहाँ इलाज कर रहे हैं। किसी भी असाध्य रोगी को, कैंसर, थायराइड, डायबिटीज, साइटिका, अन्य तमाम विभिन्न प्रकार की कोई भी बीमारी जो है, सभी बड़े स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है सब लोगों को, और निःशुल्क इलाज कर रहे हैं वो। कोई मतलब किसी भी प्रकार का कोई मतलब उनका चार्ज नहीं है, सारा अपना यहाँ आए हुए हैं वो लोग, और अपने ही खर्चे से यहाँ आए हैं, कोई किसी से एक पैसा नहीं लेते हैं, और भरपूर फायदा मतलब सभी यहाँ की जनता को हो रहा है, और समस्त प्रकार की बीमारियों का इलाज हो रहा है। यहाँ पर 100% लोगों को फायदा मिल रहा है। कारण क्या है कि यहाँ जो इलाज चल रहा है वो माता रानी स्वयं कर रही हैं, क्योंकि आपको ये चीजें संसार में कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। आदमी आया, गंगा जल के छींटे पड़े और ठीक हो गया, 10 सेकंड में हर बीमारी से निजात पा जाता है आज व्यक्ति। टोटल सारी बीमारियों का, शुगर से लेके थायराइड, थायराइड से लेके साइटिका, स्लीप डिस्क, सर्वाइकल, अस्थमा, कैंसर, सारे असाध्य रोग जितने भी हैं, सबों का इलाज। आधुनिकता के दौर में भारत इतना आगे बढ़ गया है कि ऐसी बातें समझ के परे नजर आती हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ यह सोचने को मजबूर कर देती है कि बाबा पर सच में कोई अलौकिक शक्ति है, या सिर्फ अंधविश्वास का यह नजारा जिसको समझना काफी मुश्किल है। आगरा से फरहान खान की रिपोर्ट।